सो दोस्तों आज पहुंच गए हैं हम ताजमहल और आप ये देख सकते हैं ताजमहल यहाँ से कुछ ही दूरी में, और इसी के साथ ये बच्चों की लाइन आप देख सकते हैं स्कूल के जरिए आए हैं बच्चे जो कि ताजमहल घूमने आए हैं, और ये लेफ्ट साइड में है एंट्री द्वार जहाँ से एंट्री करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबी चौड़ी लाइन है, बट हमें जाना है और पहले टिकट लाना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ से टिकट। टिकट काउंटर से 50 टिकट, और उसके बाद टिकट लेने के बाद हम भी लग जाएंगे लाइन में। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मुझे लगा था कि भीड़ कम होगी क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पर आज मतलब मंडे के दिन आए और हमें उम्मीद थी कि मंडे को शायद भीड़ कम मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू मंडे वीकडे, बट यहाँ पर आज भी बहुत अच्छी खासी भीड़ है। और ये है अंदर का मतलब हम द्वार, शायद द्वार नंबर 4 से हम आए हैं, और आपको पता है जैसे कि इसमें 5 या 6 द्वार है, मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं, तो अब हम यहाँ से करेंगे एंट्री। और ये है इसका एंट्री करने का द्वार, जो कि बहुत ही प्यारा दृश्य है इसका, और अच्छा खासा क्राउड, शायद हमें ही लग रहा है, बट एंट्री द्वार बहुत ज़्यादा बुरा हाल था क्राउड से, बट और अभी भी यहाँ पर भी वैसा ही सी सिनेरियो है। तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर आप प्लान करते हैं ताज आने का, तो सबसे पहली बात कि मतलब आपको 2 से 3 घंटे का टाइम होना चाहिए, क्योंकि इजी लग जाता है बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। और मैं शॉर्ट करने के चक्कर में वीडियो मतलब मेन चीज़ें ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर देखना पसंद नहीं करते हैं, आप हो जाते हैं बोर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम बस सामने ही हैं हमारे ताज, और हम बस कुछ ही सेकेंड में दिखाएंगे आपको ये ताज। तो देख सकते हैं हमारा ताज का दृश्य, और क्या क्राउड है, मतलब चलने की भी जगह नहीं है। और आज मंडे का दिन है स्पेशल, जैसे कि मैं आपको बताया मतलब मंडे वाले दिन क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम अगर आते हैं ताजमहल देखने तो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि अगर आप आते हैं 3 से 4 घंटे का टाइम लेके आएँ। दूसरी बात जैसे कि बाहर ही वो पार्किंग में आपको वो शूज सॉक्स देने के मतलब सेल वाले होते हैं, और काफ़ी मतलब गाइड वाइड वाले होते हैं जो कि वो करते हैं वो, तो उनकी बात ना ध्यान दें। तीसरा ये आप देख सकते हैं लेफ्ट में घुसते ही, जैसे ही घुसेंगे तो ये पूरा एक हिस्ट्री को दर्शाया गया है, एक म्यूजियम का दृश्य दिखाया गया है कि किस तरीके से ह्यूमन लाइफ स्टार्ट हुई थी हमारे हिंदुस्तान में या फिर पूरे यूनिवर्स में। आप वो उसके मतलब एक एक दृश्य के जरिए आप देख सकते हैं, और उसके बारे में डिटेल भी दी गई है अच्छे से, कहाँ पर कौन सी चीज़ कैसे बनाई गई है। तो ये पूरा मतलब दृश्य आपके लिए मतलब कहाँ पर कौन से इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं कि आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इंडिया में, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम राइट साइड में देखेंगे तो ठीक सामने है ताजमहल, तो अभी हम जाएंगे ताजमहल और देखेंगे पास से इसका नज़ारा। वैसे तो वेदर आज अच्छा है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और मतलब ठीक ठाक वेदर है, तो मतलब साफ है। अभी कुछ दिन में देखा था, कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड कोहरा होने की वजह से बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था कुछ भी, बट आज ऐसा कुछ नहीं है, तो मौसम खुल चुका है। और अब जैसे कि हम जाएंगे पास में, और यार मैंने बहुत लोगों ने देखा है कि लोग ताजमहल आते हैं अकेले अकेले फोटो खिंचवाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मतलब व्यूज आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब एक्चुअल में और पिक्चरों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। पता नहीं कैसे कुछ लोग पिक्चर शेयर करते हैं जिसमें कोई भी नहीं होता, दूर दूर तक खाली ताजमहल होता है, और वो होते हैं तो वो ऐसे पिक्चर शायद नसीब वालों को ही मिलती हैं कभी कभार ही, बट आज के डेट में ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो आप अगर आते हैं तो माइंडसेट ये करके आएँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और मतलब किस तरीके से आपको अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाओगे, कहाँ करवाओगे, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस ये सब चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो बस ठीक है, एक्चुअली मतलब हम तो आए थे मथुरा वृंदावन घूमने में ना, दर्शन के लिए नाम में मथुरा मथुरा धाम, बट पास में ये भी था, तो हमने कहा चलो टाइम है तो यहाँ भी आ जाते हैं। तो हम आए यहाँ पर, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा जिसको कहा जाता है कि प्यार का प्रतीक, और ये वो मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि आप भी जानते हैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ताज, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, बट मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता एक्चुअली, बट ये है ठीक है, देखने में लायक है, मतलब ब्यूटी है इसकी एक अपनी है और खूबसूरत है, बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देता मैं इसको। हाँ बेसिकली क्योंकि ये कहा जाता है कि मतलब शाहजहाँ ने बनाया था मुमताज़ के लिए, तो उससे बहुत अपना प्यार करते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब उनके
पाँच पाँच छः छः बीवियाँ थी, और जो मुमताज़ थी, मुमताज़ आपको पता है कि जब उनका 14वां बच्चा हो रहा था जन्म के टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद ही उन्होंने अपनी सिस्टर से शादी कर ली थी शाहजहाँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरीज मतलब इसमें है ऐसी चीज़ों की, आप समझ सकते हैं कि मतलब कहीं कोई फीलिंग्स नहीं थी उस टाइम पे लोगों में। और सबसे बड़ी बात फिर उनके मतलब साझा के पापा ने ही उनको मतलब साझा को उसके बेटे ने ही कैद कर दिया था, नजरबंद कर दिया था घर के अंदर। तो सोच सकते हो कैसी लाइफ रही होगी उस टाइम पे। तो ठीक है जो भी है, बट हाँ ये कोई मतलब प्यार का प्रतीक और वो सब नहीं है, बस एक अच्छी एक इमारत है और साफ सफाई है कह सकते हैं। और मतलब इतने पुरानी इमारत होने के बाद भी इसकी ब्यूटी बरकरार है, बस ये इसकी खास बात है, बाकी कुछ ऐसा इसमें है नहीं। और अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ बिजनेस टाइप सीन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आते हैं ताज तो आपको ऊपर अंदर जहाँ देख सकते हैं सामने लोग हैं, वहाँ पर जाने के लिए भी आपको 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। पहले मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं था, एंट्री की टिकट पहले आप लेते हैं यहाँ पर, एंट्री की टिकट 50 रुपीज़ में, उसके बाद अगर आप अंदर जाना चाहते हैं मकबरे के पास तो आपको यहाँ से सामने ही काउंटर बना हुआ है जहाँ अभी हम जाएंगे। और मेरे को तो खैर लेना ही पड़ेगा टिकट, अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे वीडियो में दिखाना है जो मैं दिखा सकता हूँ जितने ज़्यादा डिटेल के साथ। तो जैसे कि अब हम यहाँ जाएंगे दूसरे काउंटर पर अंदर मकबरे ही जाने के लिए, तो हमें यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी, और टिकट लेके यहाँ राइट साइड में जाएंगे ताजमहल के लिए। तो चलते हैं और लेते हैं टिकट, और यहाँ टिकट के लिए भी ज़्यादा लाइन नहीं है, 4-6 लोग हैं, हम देख सकते हैं क्या है। 200 रुपये मूल्य का मकबरे का टिकट यहाँ उपलब्ध है, तो चलिए जी टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर। तो देख सकते हैं ये बिजनेस मतलब बिजनेस क्या है या जो भी है पता नहीं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बट ठीक है लेट्स सी। आए हैं हम, तो हमें लेंगे टिकट और करते हैं एंट्री करते हैं। और अभी यहाँ पर हमें वो पहनना पड़ेगा जूते वाले सॉक्स का है रखे, और बस पहुंचने वाले हैं, अंदर जाएंगे देखेंगे। आई थिंक अंदर जाना और अंदर वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं होगा मुझे यहाँ तक लगता है, बट चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मतलब ताजमहल में वो वाली बात अब नहीं रही कि पता नहीं क्यों, बट मेरे अंदर से फीलिंग नहीं आती कि लाइक यार ताजमहल जाना देखना और वो वाली मतलब पीस मिले आपको, जैसे कि हम जाते हैं किसी टेम्पल में किसी धार्मिक स्थान में तो एक अलग ही लेवल का पीस मिलता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। मतलब कुछ भी जस्ट एक व्यू है, व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अगर ताजमहल जा रहे हैं तो बस मैं यही कहूँगा कि आप अपना खाना पीने को बाहर से लेकर जाएं, बट वो भी अलाउड नहीं होता है एक्चुअली यहाँ पर अंदर ले जाना कुछ भी खाना पीना, वो भी अलाउड नहीं होता। हाँ नहीं तो आप ये है कि शांति से काफ़ी बड़ा गार्डन है, आराम से पिकनिक बना सकते हैं, वो भी अलाउड नहीं। बस ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर और इसमें जो ये मतलब एक एक चीज़ें लिखी गई हैं ये डिटेलिंग में, और ये डिटेलिंग मतलब वर्क जो डिटेल पत्थर जो मार्बल को शेप देकर एक मतलब तैयार किया हुआ है ये मकबरा जिसे कह सकते हैं, ये बस चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा खास हैं। ये देख सकते हैं मार्बल की शेप्स, ये बस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि ये ऐसी शेप लाकर मतलब ये बनाना मतलब अपने आप में एक अलग ही लेवल का मतलब कारीगरी कह सकते हैं। तो बस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब लोग देखना पसंद करते हैं, इतनी दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो वर्क है, आर्किटेक्चर वर्क क्या किया गया, मतलब एक एक डिटेलिंग एक एक पत्थर को दी गई है कितने अच्छे से। तो यहाँ तक ही हम शायद वीडियो बना पाएंगे, आगे अलाउ ना करें, बट हम कोशिश करेंगे कि कोई एक दो व्यू आपको दिखा सकें छुप छुप के। तो ये है मकबरा, और कहा जाता है एक्चुअल मकबरा इसके नीचे है। तो यहाँ हम बस इतना ही कवर करेंगे, और यहाँ कहा जाता है किसी से मानी नहीं आता है। और ये हम बस मकबरे वाले एरिया से बाहर निकल चुके हैं, यहाँ पर ये थोड़ी सी कुछ लोकेशन हैं इस टाइप की जहाँ पर जगह जगह खिड़की है। वैसे भी यहाँ कोई रेजा तो नहीं था, नहीं मकबरा था। अब ये भी कहा जाता है कि यहाँ शिव जी का टेम्पल था, तो हो सकता है मतलब अब क्योंकि जो मुमताज़ थी वो मरी थी तो मध्य प्रदेश में, बट ताजमहल यहाँ बनाने का मतलब क्या था, तो हो सकता है कि यहाँ मंदिर हो या कुछ भी हो और उसके ऊपर ही इन्होंने अपना तोड़ के बनाया हो, कुछ भी कह सकते हैं यार, कुछ भी चल सकता है मतलब उस टाइम भी, क्योंकि हमें ये तो अच्छे से पता है कि जो मतलब सनातन हैं वो 5,000-6,000 पुराने लोग हैं, और मुगल्स बहुत बाद में यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारे बहुत से टेम्पल्स और बहुत जगहों को तोड़ तोड़ के अपने आर्किटेक्चर बनाए थे। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ भी हो सकता है। तो अब क्या ही मतलब गड़े मुगरे तो यहाँ उखाड़ नहीं सकते, कूद के कुछ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो ये हमारा मतलब
क्या बोलते हैं उसको यार, दुनिया के सातवें अजूबे में आता है, तो मतलब चौथे पांचवें नंबर के हमें अजूबा है ये, तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट ठीक है। और ये इधर पीछे से यमुना बहती है जो कि हमारे दिल्ली वाली यमुना जो है मतलब यहाँ से गुजरती है, तो इसमें इवनिंग में एक अलग ही व्यू होता है जब सनसेट होता है। अभी तो खैर विंटर्स है, तो विंटर्स में इतना प्यारा व्यू देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सनसेट और सनराइज इतना कुछ इफेक्टिव नहीं होता जिस धुंध के वजह से। तो बट ये है कि आप ये देख सकते हैं दूर दूर तक का पीछे का एरिया, और कहा ये भी कहा जाता है कि पीछे इसके ठीक बैक साइड में भी ताजमहल बनाने का एक इरादा था ब्लैक कलर का, बट वो नहीं हो पाया था पूरा क्योंकि उसके बाद उनको साझा को कैद कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। तो बहुत सी मतलब स्टोरीज हैं जो कि सुनी, और बीच में भी यहाँ आया था कि इसके पीछे बहुत गंदगी थी, तो इसमें भी काफ़ी चर्चा हुई थी पीछे, आपको पता ही होगा। तो बेसिकली फ्रेंड्स मतलब आते हैं हम ताज मतलब इसकी ब्यूटी को देखने, और मतलब देखा जाए तो जस्ट एक आर्किटेक्चर मुगल आर्किटेक्चर शेप में बना है, और इसके लिए जो आर्टिस्ट आए थे वो सारे आई थिंक बाहर के ही थे, वो ज़्यादातर अफगानिस्तान से ही आए थे जो कि जिन्होंने इसको मतलब बनाया था, और कम से कम इस खाली खाली इस पोर्शन को जहाँ पर हम खड़े हैं इस ताजमहल वाले एरिया को, इस पोर्शन को ही बनाने में 10 साल लगे थे, बाकी का एरिया तो बाद में बना था धीरे धीरे करके। तो मतलब ठीक है, काफ़ी डिटेलिंग हुआ कोई भी, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है और काफ़ी सुंदर है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, इसको जो ये कहते हैं कि मतलब प्यार की निशानी, वो सब गलत है, वो सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्यार की निशानी नहीं है, प्यार की निशानी ऐसे नहीं होती है, आपको पता ही है क्योंकि बेसिकली हम इस एरिया में यार ये चीज़ें कुछ हैं जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। इसमें ज़्यादातर हाँ ताजमहल में ये चीज़ें हैं कि आपको बाहर के सैलानी ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है वर्ल्ड ऑफ वंडर में आता है ये सातवां अजूबा है जो कि मतलब एक शामिल किया गया है इसमें, तो इसलिए उसके बाद से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फॉरनर्स यहाँ इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना ताजमहल को देखने में। और खैर आजकल तो क्रेज है यार, पूरी दुनिया हर जगह पहुंची होती है, तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आप आज की डेट में और पहले में मतलब आज से 5-7 साल पहले इतना लोगों को क्रेज नहीं होता था, बट आज की डेट में आप देख सकते हैं कि वीडियोस, और जैसे कि हम खुद ही वीडियो खाली में आया हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, मतलब मेरे को जस्ट बताना था आपको कि बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये सब करने के लिए मेहनत लगती है यार,